एक तरफ जहां भारत सरकार जम्मू कश्मीर में विकास को अग्रणी है, तो वहीं इसी बीच जम्मू कश्मीर में एक बार देश के राष्ट्रगान का अपमान हुआ। नमस्कार, मैं हूं अनु सिरसवाल और आप देख रहे हैं एएनवी न्यूज। जम्मू कश्मीर से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बीजेपी के एक कार्यक्रम का है जिसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव कर रहे थे। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर में भाजपा का सदस्यता अभियान। सदस्यता अभियान में भाजपा नेता राम माधव भी थे मौजूद। घाटी में एक बार फिर राष्ट्रीय गान का हुआ अपमान। चलता था राष्ट्रीय गान मगर नहीं उठे बीजेपी कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक बार फिर राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ। जी हां, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। इस बार मौका था भाजपा युवा मोर्चा की मेगा ज्वाइनिंग का। पहले तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बुधवार को भाजपा युवा मोर्चा की एक मेगा ज्वाइनिंग को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के तौर पर मुख्य रूप से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान कई कश्मीरी युवा भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान आरजेडी के स्टेट प्रेसिडेंट महाराजुद्दीन गनाई के साथ आरजेडी की राज्य इकाई के लगभग सभी सदस्य शामिल हुए। इसके अलावा कई पंचायती सदस्यों ने भी भाजपा का दामन थामा। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रीय गान के समय जहां शुरुआती पंक्तियों में बैठे भाजपा नेता और कार्यकर्ता खड़े हुए, लेकिन पीछे की अधिकतर कार्यकर्ता बैठे दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर में युवा पहले भी कर चुके हैं राष्ट्रीय गान का अपमान। कश्मीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी बजाया गया था राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान के दौरान युवाओं ने नहीं दिया था राष्ट्रीय गान को सम्मान। जी हाँ, ये मामला पहला नहीं कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ हो। इससे पहले जम्मू कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय गान बजाया गया, लेकिन इस दौरान भी कई स्टूडेंट्स अपनी कुर्सियों पर बैठे रहे। ये वीडियो 4 जुलाई 2018 का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी खूब वायरल रहा। इस घटना को लेकर भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं का बचाव करते हुए इसे स्टेज सेक्रेटरी की गलती बताया है। वहीं पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा का कहना था कि राष्ट्रीय गान अचानक शुरू कर दिया गया। वहीं स्टेज सेक्रेटरी को पहले उद्घोषणा करनी चाहिए थी। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई। चलिए, भाजपाई नेताओं ने इस पर सफाई देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इस वीडियो ने एक बार फिर कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अपने देश के प्रति जम्मू कश्मीर के युवाओं को देशभक्ति का पाठ समझ नहीं आ रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यही सवाल केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के लिए चिंतन का भी है कि आखिर जम्मू कश्मीर का युवा क्या चाहता है। एएनवी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।